अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रुबाब अली और मेरे साथ मौजूद हैं ज़वार यावर। आज हम रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं एक सॉन्ग पर जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। उल्टा बोलो ना यार, बड़े मियां छोटे मियां सुभानअल्लाह। तो ओके, फिर देखते हैं हम वो वीडियो और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि हमें वो सॉन्ग कैसा लगा। ये क्या है? अक्षय कुमार? नहीं, टाइगर श्रॉफ। इसको हुआ क्या अक्षय कुमार को? वो ठीक है, लेकिन मैं सॉन्ग पे मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी यार इन लोगों से। ये बहुत ज्यादा हनी सिंह स्टाइल नहीं लग रहा? उन्होंने ही गाया ना हो, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। नहीं टाइप लग रहा है। नहीं अब बहुत ज्यादा इंडिया में भी रैपर्स बहुत ज्यादा हो गए ना, पता नहीं चलता कौन से आवाज किसकी, तो मुझे मिल जाते हैं यार। नहीं वाइब्स नहीं है। तो मैं कुछ और एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गाने पहले भी किए हैं ना, मुझे लगा ये भी उससे टाइगर श्रॉफ के काफी ज्यादा गाने जो डांस सॉन्ग होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो जो टाइम था वो जो सॉन्ग था ना बड़े मियां अच्छा, वो एक अलग ही वाइब थी उसकी। नहीं फिल्म में ये चीज चल रही होगी ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा होगा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पैसे बहुत है यार इन लोगों के पास, इनकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी होती है, एडोरेबल होती है, मतलब दिल करता तारीफ करने को। ये मुझे ओरे पिया वाली जगह लग रही है सेट। हाँ, जहाँ पे ओरे पिया शूट हुआ है। नहीं नहीं, माधुरी दीक्षित वाली जो, नहीं वो किसी मंदिर टाइप के, इस टाइप का कोई नहीं। ये मुझे वो जगह लग रही है आजा नचले में जो जगह यूज हुई है। Alright, guys, हमने सॉन्ग सुना और रिएक्शन तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे चेहरे पे कैसे तासुरात थे ये देखने के बाद। रुबाब की हंसी नहीं रुक रही और you know, असल में मसला वो नहीं कि मेरी हंसी नहीं रुकी, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, मसला ये। Exactly, मुझे भी यही फील आ रही थी जिस तरह गोविंदा एंड जो ओरिजिनल वाली अमिताभ वाली थी, तो नाम से ऐसा लग रहा था कि कोई उसी तरह की फील होगी, उसी तरह की कोई चीज होगी या उसी को रिवैम्प किया होगा जिस तरह बाकी सॉन्ग्स के साथ बहुत सारे किए इन्होंने। एक दो तीन माधुरी वाला जो इन्होंने किया, जो जैकलीन ने अगेन किया उसको, वो भी इन्होंने किया था, लेकिन एज इट इज किया था, थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई होगी दरमियान में, वोकलिस्ट चेंज किया इन लोगों ने तो चेंजिंग थोड़ी बहुत की होगी। फिर उसके बाद एक और गाना आया था गोविंदा का जो सारा अली खान और उन्होंने किया था वो एवर, तो मैं उनकी बात करी, मतलब मेरे जहन में ये चल रहा था कि चलो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, लेकिन लेकिन यहाँ तो बड़ा अगर वाइज नहीं, वो वाली वाइज नहीं जो मतलब एक इंसान एक्सपेक्ट कर होता है। लेकिन हो सकता है हमने मूवी नहीं देखी, हमने हमें बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं पता, हम बिहाइंड द स्टोरी कुछ भी नहीं पता हमें कि क्या हो रहा है। यानी ये क्या मुझे थोड़ी सी उस तरह की लग रही है जैसे अक्षय कुमार की और मूवीज है ना, एक्शन नहीं, थोड़ी सी फनी मूवीज जिस तरह आप कह रहे हैं कि यू नो कुछ इन्होंने जो कॉमेडी मूवीज की हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं बैक पे ना बैक इस तरह के सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। अब मुझे कॉमेडी प्लस हाउसफुल, जैसे हाउसफुल है तो हाउसफुल आप देखेंगे तो वो पीछे अजीब से जब जिस वक्त कोई कॉमेडी सीन आ रहा होता है या कुछ, तो उस वक्त जो पीछे वोकल्स चल रहे होते हैं या सॉन्ग्स चल रहे होते हैं बैक वोकल्स की बात कर रहे हैं आप, तो आई थिंक हो सकता है कि जिस वक्त ट्रांजिशंस आ रही होंगी या कुछ इस तरह होगा फिल्म में तो दे कैन यूज दिस, हो सकता है। लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं पसंद आया, अब देखने वालों मुझे नहीं पता, आप लोग भी देखेंगे, आप लोग जब देखेंगे तो फिर हमें बताइएगा, मुझे नहीं अच्छा लगा ऑनेस्टली ये गाना। अच्छा वैसे सॉन्ग जब सुन रहे थे उस वक्त हमें वाइब्स आ रही थी कि ये हनी सिंह ने शायद गाया, इसमें विशाल मिश्रा का नाम था, विशाल मिश्रा मुझे कहीं से भी फील नहीं हुआ विशाल मिश्रा। अब इसमें मैं ये कहूंगा है ना, अब मैं इसमें यही कहूंगा कि जिस तरह आजकल वोकल ट्यूनर्स और इन सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है exactly. तो इस तरह हम बिल्कुल नहीं पहचान पाए कि ये विशाल मिश्रा का सॉन्ग है। और इससे पहले हमने विशाल मिश्रा का एक गाना नया नया आया था गलती, उसकी वीडियो की थी और वो गाना अमेजिंग था, अमेजिंग। और वही वॉइस जो है ना जेन में वही चीज चल रही होती है वही थीम, तो अचानक अब ये आ जाना तो नहीं। अब देखिए अरिजीत कर रहा होता है तो अरिजीत का चाहे वो हैप्पी वाला हो सैड वाला हो वाइब्स आती है, इससे वो वाइब्स नहीं आई। चलें जी, ये तो था हमारा रिव्यू और आपको ये वीडियो यानी हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको ये सॉन्ग कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिल वक्त के लिए हमें यानी रुबाब और ज़वार यावर को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।